हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजिक। और आज हमारे पास एक प्रीमियम कैटेगरी का स्पीकर, जो कि पीछे आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है मार्शल एक्टन 2, जो कि एक ओल्डर वर्जन का स्पीकर है। बट द कैपेबिलिटीज़ आर रियली हाई एंड द स्पेसिफिकेशंस आर अमेजिंग। द साउंड आउटपुट इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग ऑफ दिस मार्शल एक्टन 2। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से इस स्पीकर को यूज़ कर चुका हूँ, बट मैं आपको एक नए पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ इसकी अनबॉक्सिंग, प्लस 6 महीने से मैं इस स्पीकर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके कुछ रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत छोटी मोटी मुझे इसमें फ़ेस हुई है और क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो सारा कुछ हम कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिसको मार्शल एक्टन 2 में इंटरेस्ट है और जो इन फ्यूचर इसको लेना चाहता है, क्योंकि दिवाली की सेल भी आने वाली है फ्लिपकार्ट पे, और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिलने वाला है। और आगे कुछ बात करेंगे कि मैंने इस स्पीकर को किस प्राइस पर परचेज़ किया था और क्या बेस्ट प्राइस अब हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट अपकमिंग सेल्स पर। सो बने रहिए वीडियो के साथ में। एंड में बात करेंगे सारी जो इसकी प्राइस वगैरह जो मुझे पड़ी है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस I have ever seen on Flipkart of this Marshall Acton 2. So let's get into the video and करते हैं इसकी quick unboxing and बात करते हैं इसकी कमियाँ और अच्छाइयाँ सारा कुछ। सो में इस तरीके का कुछ बॉक्स देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर से यहाँ पे मार्शल स्पीकर्स की जो है इमेज दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूटूथ वायरलेस होम ब्लूटूथ स्पीकर। साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो मार्शल का जो हमें ऐप देखने को मिलता है, जहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सारी बेस और अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें मोड्स वगैरह जो हमें दिए हुए हैं, वो सारा कुछ हम जो है यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर दोनों पर ही अवेलेबल है। ठीक है, बैक साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें एक्टन 2 ब्लूटूथ देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्लूटूथ वर्ज़न है। एक जो इंटरनेशनल वर्जन आता है वो आता है एलेक्सा के साथ में, तो ये जो है हमें ब्लूटूथ वर्जन के साथ में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक वूफर जो है इसके अंदर वो है 30 वॉट का, और दो छोटे छोटे वूफर्स जो हैं वो है 15-15 वॉट के। तो टोटल ये जो स्पीकर है ये है 60 वॉट का स्पीकर, जो कि काफ़ी अमेजिंग आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड चीज़ जो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ठीक है, कोई भी फ़ोन, कोई भी डिवाइस, एक से ज़्यादा डिवाइस भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। उसके बाद में 3.5 mm का जो है इसमें इनपुट, हम ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली हम किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी होस्ट फंक्शनैलिटी, मतलब एक से ज़्यादा डिवाइस भी इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसका मार्शल का ब्लूटूथ ऐप है वो भी हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, सो एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें स्पीकर देखने को मिलता है, उसके बाद में एक पावर आउटपुट की केबल देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्स लीड। उसके बाद में क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलती है और कुछ लीगल एंड सेफ्टी की शीट हमें देखने को मिलती है। तो बस यही था इसके अंदर बैक साइड में जो भी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए थे। बाकी
की अदर साइड पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर काफ़ी सारी डायमेंशंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बट ये इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वही जो पीछे चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें यहीं पर वापस लिखी हुई हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी MRP लिखी हुई है जो कि है 30,000 रुपये, जो कि एक्चुअल में 30,000 रुपये का ये आता नहीं है, ये एक्चुअली कम ही आता है। तो सारा रेट वगैरह की बात हम लास्ट में करेंगे कि मुझे कितने का पड़ा और अभी क्या प्राइस वगैरह इसकी चल रही है। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है इन मार्शल एक्टन 2 की। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा होता है एस्टिमेट 1962, क्योंकि ये ब्रांड 1962 से चल रही है। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो है क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारी मेन स्पीकर की यूनिट, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जिस तरीके से बबल रैप के अंदर ये हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद में हमें एक मेन जो इसका पावर केबल है वो देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट लेंथ की है, जो कि सफिशिएंट है आई थिंक। और बाकी ये सारी चीज़ें हमें इसको देखने को मिलती हैं इसके अंदर, और बाकी बॉक्स के अंदर हमें और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। ये है हमारी मेन यूनिट जो कि बबल रैप के अंदर आती है कुछ इस तरीके से। एक्चुअली बबल रैप नहीं है, नॉर्मल जो है थर्माकोल रैप है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इससे बाहर। तो हमारे जो ये स्पीकर हैं ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ही अमेजिंग लगते हैं। और अगर इनके जो बटन्स की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बटन्स इतने ही प्रीमियम क्वालिटी के इनके बटन्स हैं। फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बैक साइड से काफ़ी सारी डिटेल्स इस पर लिखी हुई है, एंड मार्शल की ब्रांडिंग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लिखा हुआ है। पीछे एक वूफर के लिए होल भी है हीट पास होने के लिए, और यहाँ पर जो है पावर केबल हम लगाएंगे। तो काफ़ी अमेजिंग इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी है, और काफ़ी ही अमेजिंग इसकी जो है साउंड क्वालिटी भी है, जो कि हम टेस्ट करेंगे। ऊपर से बात की जाए, अब ऊपर से अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑक्स के लिए ऑक्स केबल लगाने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट मिलता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे मोड्स मिलते हैं ऑक्स के अंदर और ब्लूटूथ के अंदर, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये पेयरिंग मोड पे चला जाता है। बाकी यहाँ से हमें वॉल्यूम देखने को मिलती है, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, फिर बेस एडजस्टमेंट और ट्रेबल एडजस्टमेंट। यहाँ से हम म्यूज़िक जो है डायरेक्टली आगे बढ़ा सकते हैं, और ये पावर बटन है हमारा जो कि रेट्रो स्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलता है।
पावर बटन को हमें यूं प्रेस करके रखना पड़ता है तो ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो यही कुछ था मार्शल हमारा, जो ऊपर ऊपर से अगर बात की जाए आउटर चीज़ें जो मार्शल एक्टन 2 की हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसको जो है सेटअप कर लेते हैं और इसकी जो है आवाज़ सुनते हैं कि किस तरीके की ये आवाज़ जो है हमें निकाल के देता है, किस तरीके का इसका स्पीकर का आउटपुट है। ये इसका पावर बटन है, जैसे ही हम इसको डाउन प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अगर हम ऑक्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्स केबल लगा सकते हैं, यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम अभी यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग करेंगे तो हम ब्लूटूथ के ऑप्शन पर इसको लाइट को ले आते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से प्रेस करके रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। उसके बाद में हम अपने फ़ोन पर आ जाते हैं और यहाँ से पेयर न्यू डिवाइस करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मार्शल एक्टन 2। यहाँ पर मार्शल एक्टन 2 पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से पेयर कर देंगे तो ये हमारा स्पीकर जो है सक्सेसफुली पेयर हो चुका है। अब हम इसमें कुछ सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। और आपको भी सुनाते हैं कि किस तरीके से ये साउंड करता है। तो इस तरीके की कुछ साउंड क्वालिटी हमारे इस मार्शल एक्टन 2 की है। और अब बात कर लेते हैं इनका जो ऐप है मार्शल का, तो वो कुछ किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम अगर प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वो हमें यहाँ पर सर्च करना होगा मार्शल। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो ये मार्शल ब्लूटूथ करके जो आ रहा है यही इनका जो है ऑफिशियल ऐप है। तो ये मेरे फ़ोन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में ये ऐप कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा स्पीकर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट फेच कर लिया और यहाँ से फिर हम इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फ्लैट, रॉक, मेटल, पॉप, हिप हॉप, इलेक्ट्रिक, जैज़ जैसे काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हम और भी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे हम स्पीकर को पेयर कर सकते हैं, लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे स्पीकर्स की, यहाँ से हमें ज़्यादा चाहिए या कम, और बाकी हम अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई मीडिया प्ले हो रहा होता है तो वो हमें यहाँ शो कर जाता है और बाकी सारे जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर हमें दी हुई हैं, बट ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो यही कुछ था इसके अंदर मार्शल एक्टन 2 के ऐप के बारे में। तो ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है, तो जैसी भी आपकी डिवाइस है आप उस अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है ऑडियो की क्वालिटी में चेंजेस भी कर सकते हैं।
तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि हमें ये जो मार्शल एक्टन 2 है वो कितने का पड़ा, क्या इसकी प्राइसिंग हमें रही। तो ये जो है वैसे मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुझे कितने का पड़ा है, क्या इसका हिसाब किताब रहा है। तो ये जो मार्शल एक्टन 2 हैं ये हमें 14,973 रुपीज़ के पड़े हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ फाइनल प्राइसिंग। तो फाइनल प्राइसिंग जो है इसकी 14,973 रुपये का हमें ये फ़ाइनल पड़ा है। और इन केस अगर मैं इसकी करंट की बात करता हूँ, अगर ये अभी करंट किस प्राइस पे चल रहा है, तो ये करंटली जो है 27,000 समथिंग का आ रहा है, बट ये आउट ऑफ स्टॉक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सेल है उसके अंदर ये करीब करीब 10,000 से 12,000 तक आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये 13,000-14,000 की रेंज में तो नॉर्मली किसी भी सेल पर देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा सेल का, और बेस्ट प्राइस के लिए आप कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रीमियम हैं। कभी कभी जो मुझे बस इसकी जो नेगेटिव साइड लगती है वो ये लगती है कि इसके अंदर ना कभी कभी साउंड, फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो साउंड एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। आई डोंट नो वो किस वजह से होती है, बट एक दो बार मैंने ये चीज़ फेस करी है। अदरवाइज़ स्पीकर जो है बहुत ही अमेजिंग स्पीकर हैं। ये 60 वॉट का इनका आउटपुट है, जो कि मतलब फुल तो मैंने खुद भी आज तक नहीं करी, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग स्पीकर्स। एंड मैं अपनी डेस्क पर रखता हूँ इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही कुछ था हमारे नए एक्टन 2 के अंदर। वैसे तो काफ़ी पुराना है ये, एक्टन 3 भी आ चुका है, बट दिस इज़ रियली वर्थ इट। ये काफ़ी वर्थ इट डिवाइस है, जो कि आपको 12,000 से 14,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाती है फ़्लिपकार्ट की सेल पर। इवन नॉर्मल भी, मैंने तो नॉर्मल परचेज़ किया था, बट बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, दिवाली की सेल आने वाली है, उस पर काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिलेगा, जो कि 12,000 से 13,000 या फिर मान के चलिए 11,000 भी देखने को मिल सकता है क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स लगाने के बाद। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि सेल का वेट करिए, एक अच्छी प्राइस का वेट करिएगा। अभी ये 27,000-28,000 का है फ्लिपकार्ट पे, बट बहुत ही जल्दी इसकी जो रेट है सेल के अंदर डाउन हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ रेट्स कम होने का इंतज़ार करिएगा और बेस्ट प्राइस पर आप इसको परचेज़ करिएगा। तो यही कुछ था इस एक्टन 2 के अंदर, जो कि मार्शल की तरफ से आता है। डेस्क पे रखा हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेट्रो स्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके जो साउंड आउटपुट है वो किसी भी और स्पीकर को कम्पीट नहीं करता। ऐसा मार्केट में मैंने कोई भी स्पीकर नहीं देखा जो 60 वॉट के आउटपुट के साथ में इतनी अच्छी, इतनी कम प्राइस पर देखने को मिलता हो। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस स्पीकर को परचेज़ करें, अगर आपका बजट 12,000 से 14,000 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ का है, तो डेफ़िनेटली ये जो स्पीकर हैं वर्थ इट हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस विल रियली हेल्प मी टू ग्रो, एंड काफ़ी और वीडियोज़ लाने के लिए भी इससे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इन केस नेक्स्ट जो भी हमारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो टैक्स से रिलेटेड होने वाली है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो एट लास्ट आई विल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ प्रशांत यादव साइनिंग ऑफ।